बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में अल्लामा अब्दस्तार आसम की एक और कोशिश, एक और काविश और एक और शाहकार है। ये किताब है इफ्तिखारनामा, एक आम आदमी के अज़्म व अमल की दास्तान। इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब की ये खुदनविश्त है। इफ्तिखार अहमद सिंधु का तज़किरा असदुल्ला गालिब साहब के कालमों में होता था। अपने कालमों में असदुल्ला गालिब साहब ने इनकी शख्सियत पर, इनके सरगर्मियों पर और इनके फिक्र व फलसफा पर खुलकर लिखा। वो पढ़ना हमारे फ़राइज़ में शामिल था, क्योंकि नवाए वक्त में आर्टिकल वो भेजा करते थे, आप भी भेजते हैं, हमें वो आर्टिकल पढ़ते हैं। तो इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब के हवाले से भी वो मुसलसल लिखते रहे। तो यूँ लगता है कि इफ्तिखार अहमद सिंधु से हमारी अपनी भी याद अल्लाह है। कैसे याद अल्लाह है? सिर्फ अब्दुल्ला गालिब साहब के कालमों के तवस्त से। अब उनकी तरफ से अपनी खुद नविश सामने आई है, तो मज़ीद जानने का मौका मिला है कि इफ्तिखार सिंधु साहब क्या करते हैं, उनकी किन लोगों के साथ मुलाकातें हैं, उनकी सरगर्मियाँ क्या रहती हैं, वो कहाँ से उठे और पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर में आ बसे, और फिर लाहौर जैसे बड़े शहर में उनका कारोबार भी माशाल्लाह बढ़ता चला गया। प्रॉपर्टी का इनका कारोबार है, इस किताब में भी उन्होंने उसका तज़किरा किया है। उनकी है पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। इस किताब के आगाज़ में और किताब के अंदर भी रंगीन तस्वीरें दी गई हैं, अपनी सोसाइटी के हवाले से भी हैं, दीगर भी अमजद इस्लाम अमजद के साथ उनकी तस्वीर है, दीगर दोस्तों के साथ भी उनकी तस्वीर इस किताब में मौजूद हैं। इफ्तिखार सिंधु साहब की तहरीरों की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस किताब पर किसने किस तरह से तबसरा किया है। एक तो इनके जो गहरे दोस्त हमें नज़र आए वो असदुल्ला गालिब साहब हैं, इनकी तरफ से इस किताब पर तबसरा करते हुए कहा गया है। इफ्तिखार सिंधु साहब की शख्सियत के हवाले से भी वो कहते हैं, इफ्तिखार अहमद सिंधु की शख्सियत हज़ार रंगों से मज़ीन है, कोई दूसरा शख्स इनके किरदार का मुकम्मल अहाता नहीं कर सकता। इसी तरह से हबीब अकरम साहब की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। वो कहते हैं, इफ्तिखार सिंधु साहब से मिलें तो यूँ लगता है पंजाब से मिल रहे हैं। मुजीब रहमान शामी साहब की तरफ से भी इस किताब पर और इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब की शख्सियत पर खामा फुरसाई की गई है। वो कहते हैं, इफ्तिखार सिंधु अपनी ढब के आदमी हैं, सबसे जुड़े हुए लेकिन सबसे अलग, लाखों क्या करोड़ों में एक हैं, रहन सहन के लिहाज से खालस पंजाबी लेकिन उनका अंदेशा अफलाकी और परवाज लौलाकी है। असल शाहीनी तो है ही, आंखों में बेबाकी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। पाकिस्तान ही के नहीं, आलम इस्लाम के शहरी हैं, इसमें बसते हैं, इसके लिए सोचते हैं और सोच कर कुड़ते रहते हैं। इफ्तिखार सिंधु साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने के भी मौके मिले, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में रहकर अपना मुस्तकबिल बनाना ज़्यादा बेहतर समझा, और उनका मुस्तकबिल फिर अल्लाह की रहमतों से ऐसा रोशन हुआ, ऐसा बेहतर हुआ कि बहुत से नौजवान और बहुत से नौजवानी की मंजिलों को तय करने वाले आज रशक करते हैं कि हम भी इफ्तिखार सिंधु की तरह कामयाबी हासिल करें। आते हैं इस किताब की तरफ। इसके इंतसाब में वो कहते हैं कि तहज्जुद गुजार वालदा माजदा के नाम, जिनकी दुआओं के समर से मेरा पूरा ख़ानदान मुस्तफीद हो रहा है। अपनी सवाने उमरी इफ्तिखार सिंधु साहब की तरफ से मुकम्मल की गई है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मुख्तलिफ उनवाना देकर। इसमें से चांदे का हम आपके सामने तज़किरा करते हैं। अर्ज़ मुसन्नफ़ में इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब लिखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमारा रब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हमारे रसूल और अल्लाह के आखिरी नबी यानी खातमुल नबीयीन है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। आगे चलते हैं, आगे फिर किताब पर तबसरा निगारों की राय आ जाती है। इसमें अलामा आसम की तरफ से भी अपनी राय का इजहार किया गया है। नदीम ओपल साहब भी अपनी राय का इजहार करते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ से इस किताब पर तबसरे के बाद पहला जो आर्टिकल हमारे सामने आता है, मेरा ख़ानदान और मेरा गांव। इससे पहले कि मैं अपने ख़ानदानी पस मंज़र और हालात व वाक़ात का तज़किरा करूँ, यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जिस देहाती और सादा माहौल में पला बढ़ा, आज भी मैंने वही सादा कल्चर अपना रखा है, ताकि मुझे देखने और सुनने वालों को
यकीन आ जाए कि जो मेरी ज़ुबान पर है वही मेरे दिल में है। यहाँ मुझे मशहूर दानश्वर अदीब और ड्रामा नगार अशफाक अहमद का एक दिलचस्प वाक़या याद आ गया। वो लिखते हैं कि एक बार जब वो इटली गए तो वहाँ मुल्क के नामवर अदीब मुमताज़ मुफ्ती पहले से मौजूद थे। मैं जब उनसे मिला तो मैं पतलून कोट में मलबूस था और खैर से टाई भी लगा रखी थी, मगर जब मैं मुमताज़ मुफ्ती से पंजाबी ज़ुबान में मुखातब हुआ तो वो कहने लगे, अशफाक साहब जब हम पेंट कोट पहनकर और टाई लगाकर पंजाबी बोलते हैं तो यूं लगता है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। बाहर कैफ ये तो अशफाक अहमद और मुमताज़ मुफ्ती का आपसी मामला था। मेरी मगर कोशिश होती है कि जब मैं अपने देहाती माहौल की बात करूं जिससे मेरा तल्लक है तो मेरे अल्फाज और तर्ज ज़िंदगी से भी उसकी अक्कासी होनी चाहिए। इस किताब में बड़े दिलचस्प मौजूदात हैं। एक मिरासियों के हवाले से है, उसका तज़करा करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसमें से बेहतरीन किसी एक मौजू को करार दिया जा सकता है तो वो मिरासियों के हवाले से ये एक मौजू है। इसमें उन्होंने मिरासियों के हवाले से कहा है कि किस तरह से मिरासियों की कभी देहात में बड़ी बैजा बैजा हुआ करती थी, आज तो मोबाइल आ गए हैं, फ़ोन आ गए हैं, लेकिन कभी ऐसा होता था कि किसी मर्द के लिए शादी के लिए मिरासियों ही को भेजा जाता था इतला देने के लिए। कभी एक दिन लग गया, कभी दो दिन लग गए, और मिरासी हुक्का भी ताज़ा किया करते थे। इसके अलावा मिरासियों के और भी बड़े काम थे, चौधरियों को हंसाना, गांव के लोगों के अबा अजदाद के शजराए नसब को याद रखना और उसको मौका माल के मुताबिक दोहराना और उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी कर देना। इस मौजू के तहत इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब की तरफ से कई मिरासियों से वाबस्ता लतीफ़े भी बयान किए गए हैं। अगर इनकी तरफ से कुछ नहीं बताया गया तो वो सर्दी के हवाले से है, उसका उन्होंने तذکرہ नहीं किया। बहरहाल वो कहते हैं कि सर्दियों में वो बेहंगम लकड़ियों का मच जलाकर लोगों की सर्दी दूर करने का अहतमाम किया करते थे। सर्दियों के हवाले से, ठंड के हवाले से मशहूर है कि मिरासियों को सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है। इफ्तिखार सिंधु साहब ने चूँकि मिरासियों के साथ भी कुछ वक्त गुजारा होगा, उनको पता होगा, लेकिन हमने ये सुना हमारे गाँव में कोई मिरासी नहीं हुआ करते थे। एक नाइयों का घर था, वो पहले कभी मिरासी हुआ करते थे, लेकिन जब हमने उनको देखा तो वो नाइयों का काम किया करते थे। हमने ये सुना है कि मिरासियों के घरों में पंखा नहीं होता, शदीद गर्मी हो तब भी पंखा नहीं होता, और मिरासियों के घरों में दरवाजे की कुंडी नहीं होती। और ये भी सुना है कि मिरासी अपने सर को तेल नहीं लगाया करते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि तेल में ठंडक होती है तो कहीं सर जाम ना हो जाए। बहरहाल ये हमने अपनी तरफ थोड़ा सा इजाफा कर दिया मिरासियों के हवाले से। वैसे इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब ने भी कोई कसर मिरासियों के हवाले से नहीं छोड़ी थी, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि आजकल ये माहौल हो गया है कि पाकिस्तान में कुल तादाद सैदों की 2% है, लेकिन मिरासी भी आजकल पहले कुरैशी बनते हैं और उसके बाद फिर वो सैयद बन जाते हैं। ऐसा मैं भी एक मिरासी के कुरैशी होने का गवाह हूँ। बहरहाल ये कोई मौका मान लीजिए, हम तबसरा कर रहे हैं इफ्तिखार सिंधु साहब की किताब पर। मिरासियों के हवाले से उन्होंने ये भी लिखा है कि चौधरियों की शादी में एक मिरासी चला गया तो उन दिनों ये हुआ करता था कि शोरबे वाला गोश्त बना करता था, मिरासी को सिर्फ शोरबा दिया गया तो मिरासी ने दोबारा से मांगा, दोबारा भी शोरबा दिया गया, उसने तीसरी बार सालन मांगा तो भी शोरबा ही दिया गया। तो उसने चौधरी के बेटे को बुलाया और कहा कि मुझे ज़रा टूथपिक चाहिए, मेरे दांत में शोरबा फंस गया है। तो एक ऐसे ही मिरासियों का और वाकया भी है कि उनको ऐसा ही शोरबा दिया गया तो मिरासी अपने कपड़े उतारने लगा। उससे पूछा, भाई क्यों उतारने लगे हो? तो उसने कहा कि मैं इससे नहाना चाहता हूँ। इसी तरह से तीन चार मिरासी, उनको भी ऐसा ही शोरबा दिया गया तो वो एक दूसरे से लड़ पड़े। एक कहने लगा कि होता है, दूसरा कहने लगा नहीं होता, तीसरा भी कहने लगा कि नहीं होता, पहला कहने लगा कि होता है। किसी ने पूछा कि क्यों लड़ रहे हो? तो मिरासियों में से एक ने कहा कि जनाब मैं कहता हूँ कि इस शोरबे से वज़ू होता है और ये कहते हैं कि वज़ू नहीं होता। बहरहाल सिंधु साहब ने इसमें बड़ा इंसाफ किया है मिरासियों के हवाले से। इसमें वो डीएनए का जिक्र भी करते हैं कि किस तरह से लोग सादात बन जाते हैं, किताब में इसका तज़किरा है। आखिर पे आ जाते हैं काम की बात, बहुत बड़े काम की बात, जो इस किताब के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस किताब का हासिल मुतालिया है या इस किताब का हासिल है। आखिर में इन्होंने लिखा है, लड़ाई छोड़ो मिल बैठो, ये उनवान है इस
आखिरी आर्टिकल का। इसके तहत वो आखिर में लिखते हैं, अब जरूरत समर की है कि कौमी सतह पर एक थिंक टैंक तश्कील दिया जाए और मुल्की और कौमी मुफाद में सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए फैसले किए जाएं। हम सायह ममालक खासतौर पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान से मामला ठीक किए जाएं। दुनिया के दीगर ममालक के साथ भी बराबरी की सतह पर तल्लुकात कायम किए जाएं। इसी तरह इसराइल को भी तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा जाए तो फलस्तीन का मसला बुनियादी तौर पर अरब इसराइल तनाज़ा था, जिसे शाह फैसल ने उम्मत मुस्लिमा का मसला बना दिया था। अब सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात समेत सरकर्दा मुस्लिम ममालक भी इसके साथ सफारती और तजारती तल्लुकात कायम कर रहे हैं। हमारे ऐसा करने से कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी ये बात करके कलम को इफ्तिखार सिंधु साहब ने तोड़ दिया है। ज़रा अंदाज़ा करें फ़लस्तीनियों के साथ आजकल क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं माजी में जाता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब जब इक्तदार में आए, उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे, एक मुतबादल मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश की गई जो बाद में बन भी गई काफ लीग, उसका जब आगाज हो रहा था हुमायूं अख्तर के घर मुलाकातें हुआ करती थी सियासतदानों की, मैं भी वहां पर जाया करता था। तो चौधरी शुजात की तरफ से इब्तदाई दिनों में जब वो परवेज मुशर्रफ के करीब हो रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि कश्मीर का मसला किसी भी सूरत हल होना चाहिए। वो कहते थे कि हम यहाँ पे बैठ के तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन उन बच्चों का देखें, उन ख़वातीन का देखें, उन बूढ़ों का देखें जिनकी ज़िंदगी वहाँ पे अजाब बन चुकी है। तो यही कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार सिंधु साहब की तरफ से बड़े ही नाजुक मसले पर बड़ी मजबूती के साथ बात की गई है कि ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान कर लें। इसके साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले देखते हैं इस किताब के कितने सफहात हैं। इस किताब के सफहात हैं कलर्ड पेजेस समेत 275, और इसकी कीमत अलामा अब दस्तार आसम के इदारे कलम फाउंडेशन की तरफ से रखी गई है 2500 रुपया। अपनी तरफ से हम ये ऐलान करते हैं कि जो लोग ये किताब ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं उनको ये किताब उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी 1500 रुपये में। ये हमारी तरफ से अलामा साहब की इजाज़त लिए बगैर कह दिया गया है, और हमें अलामा साहब पर इतना मान है कि वो हमारे मान को रखेंगे। और आप ये किताब हासिल करना चाहते हैं, वाकई ये पढ़ी जाने वाली किताब है, आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और अलामा आसम को कलम फाउंडेशन बैंक स्टाप वाल्टन रोड लाहौर कैंट खत लिख के या फिर उनको इस नंबर पर फ़ोन करके किताब मंगवा लीजिए 0300051 5101। अल्लाह हाफिज़।